वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र। देखिए, जैसा कि हमें पता है 1945 में यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था और ये वर्ल्ड वॉर टू का आफ्टर रिजल्ट था, ताकि इंटरनेशनल पीस है जो उसको कायम कर सके। तो आज के हम इस टॉपिक में यूनाइटेड नेशंस का बेसिक स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे और जो उसके ऑर्गन्स हैं उनका क्या रोल है यूनाइटेड नेशन में, उसको जानने की बात करेंगे। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है इसको 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जो कंट्रीज़ हैं जो उनके बीच की मिस अंडरस्टैंडिंग है उनको कम करने के लिए और किसी भी प्रकार के जो मेजर कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इन फ्यूचर, जो नए वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकते हैं, उनको रोकने के लिए और कंट्रीज़ के बीच के कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनके रिलेशन को शो करता है, ना कि इसमें कोई जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन सकती है। बल्कि जो गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री का, जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, चलाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करती है जो वहाँ का, वही यूनाइटेड नेशन का पार्ट बन सकती है। और देखिए, अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है खाली कॉरपोरेशन बढ़ाना या वर्ल्ड वॉर रोकना, इंटरनेशनल पीस, यही बात नहीं है इसकी। ये इसका स्कोप जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी फैला हुआ है। ये बेसिक सोसाइटी लेवल से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाने की भी बात करती है, ह्यूमन राइट्स की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। तो इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड है और ये एक ट्रूली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, या जिसका मतलब हम देख सकते हैं कि जो प्रभाव है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये लिमिटेड नहीं है किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ या सेट ऑफ कंट्रीज़ के बीच में, बल्कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोब पूरा इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका इन्फ्लुएंस है वो देखा जा सकता है। और ये एक टूल की तरह है जो वॉयलेंस को बढ़ने से रोकने के लिए बनाया गया था, जो किसी भी कंट्रीज़ के बीच में जो मेजर कन्फ्लिक्ट आ जाती हैं उनको रोकने के लिए। देखिए, माइनर तो हर कंट्रीज़ के अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ चलते रहता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन का ये फंक्शन है कि ये चेक करे, देखे कि जो ये माइनर कन्फ्लिक्ट हैं, जो ये छोटे मोटे इशूज़ हैं, उनको उन्हीं के लेवल पे कंट्रीज़ अपने लेवल पे रिजॉल्व कर सके। अगर नहीं कर पा रही है तो यूनाइटेड नेशंस अपना वहाँ को इन्वॉल्वमेंट बढ़ा देता है ताकि मेजर वायलेंस, मेजर वॉर ना हो सके। तो यही इसका मेजरली फंक्शन था। काफ़ी हद तक देखते हैं कि हम फिर भी यूनाइटेड नेशन नहीं हो पाया सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी देखिए काफ़ी वॉर चलती हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इसके रोल को डिनाई नहीं कर सकते हैं। काफ़ी हद तक जो इसका रोल है, इसने वर्ल्ड की जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है उसमें अपना रोल का इम्पैक्ट करा हुआ है। देखिए, जैसे हमने बात करी कि इसको वर्ल्ड वॉर टू जो 1945 में ख़त्म हुआ था उसके बाद बनाया गया था, ताकि जो इंटरनेशनल पीस है उसको बढ़ाया जा सके, जो कंट्रीज़ के बीच में कॉरपोरेशन है वो बढ़ाया जा सके। देखिए, जो वर्ल्ड वॉर टू था वो काफ़ी डेडली वॉर था, काफ़ी ह्यूमन जो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैसेकर हुआ था उस वर्ल्ड वॉर टू में। और जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई थी टेक्नोलॉजी में, उसके बाद से जो इम्पैक्ट था किसी भी वॉर का वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो जैसा हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो डेथ का जो अमाउंट था वो काफ़ी अलार्मिंग था, और जो वर्ल्ड था वो किसी भी हद तक नहीं सह सकता था वर्ल्ड वॉर थ्री को। तो उस कंडीशन में इंटरनेशनल पीस और कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए यूएन का फॉर्मेशन हुआ था। देखिए, अगर हम बात करें कि यूएन की हिस्ट्री की बात करें, क्या यूएन से पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो जिनका जो मेन एम था वो इंटरनेशनल पीस था और कॉरपोरेशन बढ़ाना था? तो जी बिल्कुल, उससे पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रही हैं, लेकिन जो उनका रोल था, इम्पैक्ट था, वो काफ़ी हद तक लिमिटेड था, कम था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो जो यूएनओ का मेन प्रीडेसेसर है वो था लीग ऑफ नेशन, जो वर्ल्ड वॉर वन जब फिनिश हुआ था उसके बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 में लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ था। इसके 28 मेंबर्स थे, लेकिन जो ये लीग ऑफ नेशंस था ये भी अपना रोल अच्छे से नहीं कर पाया वर्ल्ड पीस को वो करने में, सस्टेन करने में और कॉरपोरेशन बढ़ाने में, क्योंकि हम देख सकते हैं लीग ऑफ नेशंस के बाद भी वर्ल्ड वॉर टू कुछ ही एक डिकेड बाद फिर वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया। तो देखिए, इसमें भी लीग ऑफ नेशंस में कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जो हमारी यूएन के लिए इम्पॉर्टेंट, जो स्ट्रक्चर यूएन का स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट जो हमने पॉइंट लिए वो लीग ऑफ नेशंस के शॉर्टकमिंग्स से लिए। देखिए, पहले तो लीग ऑफ नेशंस में जो मेजर कंट्रीज थी कुछ उस टाइम की, जो पावरफुल थी, उस टाइम की सुपर पावर थी, उनको इंक्लूड नहीं किया था, जिनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए यूएसए को उस टाइम पे लीग ऑफ नेशंस में इन्वॉल्व नहीं किया गया था। देखिए यूएसए काफ़ी उस टाइम का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और उसका जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी हद तक बड़ा था और उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। ये कुछ ही अपने देशों में मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको बना लिया गया था और इसके जो रूल्स थे, जो इसके डिसीजंस थे, वो बाइंडिंग नहीं थे किसी भी कंट्री पे। यानी जो लीग ऑफ नेशंस ने कोई कमांड दे दी, कोई डिसीजन ले लिया, तो वो बाइंडिंग नहीं था किसी भी कंट्री पे। चाहे उसकी मर्ज़ी थी कि वो मानना चाहे ना मानना चाहे, तो उस पर डिपेंड करता था। और जो इसका इस पर कोई भी मैकेनिज़म नहीं था कि अगर कोई कंट्री उसके डिसीजंस को नहीं मान रही है लीग ऑफ नेशंस के, तो इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था कि उसको पनिश किया जा सके, उस पर कुछ सैंक्शंस लगाया जा सके। देखिए अब यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन टर्म है, ये सबसे पहले यूएस के प्रेसिडेंट उस समय के रूजवेल्ट ने 1942 में लाए थे। तो और इसी का जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था अगस्त 1944 में, और डुम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। यहाँ पर को इसका जो बेसिक ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया गया था। और जो यूएन चार्टर है उसको सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में साइन किया गया था। और जो ये ऑफिशियली जो आया था यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो 24 अक्टूबर 1945 को आया था। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे और 50 जो मेंबर्स थे उन्होंने तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में ही इसे साइन कर लिया था, लेकिन पोलैंड जो इसका 51st मेंबर था उसने लेटर अक्टूबर 1945 में इसको साइन किया था। अब हम बात करें कि इंडिया का क्या रोल था, तो देखिए इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है ऑफ यूनाइटेड नेशन और उसने काफ़ी एक्टिवली पार्ट लिया जब से यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ है। और इंडिया का जो इंडिया का काफ़ी मेजर रोल रहा था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को ड्राफ्ट करने में, और डीकोलोनाइजिंग कमेटी में भी इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल रहा था। देखिए अब हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन का स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो देखिए जो फर्स्ट रेगुलर सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वो सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है सिंस 1952। अब हम बात करें यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर की, देखिए इसके मेजर 6 ऑर्गन्स है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए शॉर्ट में सभी के बारे में जानते हैं, जो जनरल असेंबली है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की पार्लियामेंट टाइप की है, जैसे हर कंट्रीज़ की अपनी पार्लियामेंट होती है जहाँ पर कुछ हमारे इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं और हमारे लिए लॉज होगी, पॉलिसीज़ होगी और जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो बनाए जाते हैं, उसी प्रकार का जो जनरल असेंबली है वो वर्ल्ड की पार्लियामेंट के तरह देखा जा सकता है। और ये ईयरली बेसिस पे इनकी मीटिंग होती है, यानी वंस ए ईयर ये मिलते हैं। और किसी भी कंट्री के मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली में अपॉइंट किए जा सकते हैं। और ये जनरल असेंबली ही जितना भी बजट बनता है यूनाइटेड नेशन का उसको देखती है, और जितने भी दूसरे ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के उनके मेंबर्स को इलेक्ट करने का काम भी जनरल असेंबली का होता है। फिर सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे यूएनएससी भी कहा जाता है। देखिए इसकी जो यूएनएससी है, ये कह सकते हैं कि काफ़ी पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, और जो इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना, और कहीं भी अगर पीस या शांति भंग हो रही है तो वहाँ पर को एक्शंस लेना, ये इसी का ही काम है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। देखिए इसके 15 मेंबर्स होते हैं टोटल, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। जो परमानेंट 5 हैं वो हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके पास पावर होती है कि बाइंडिंग डिसीजन बना सके मेंबर स्टेट में, जितने भी मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशंस के, तो उनको बाइंडिंग डिसीजन इम्पोज कर सकती है सिक्योरिटी काउंसिल, और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखती है। और यही वो काउंसिल है जो यूएन चार्टर को आउटलाइन करती है, और कहीं भी अगर मिलिट्री एक्शन को ऑथराइजेशन देना है तो यूएनएससी का ही काम होता है ये। फिर थर्ड आ जाता है सेक्रेटेरिएट, देखिए इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो जो सेक्रेटेरिएट है वो किसी भी और कंट्री के सेक्रेटेरिएट के तरह ही काम करती है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है, जितने भी डिसीजंस ऊपर से बन गए हैं उनको लागू करने का और उनको प्रॉपरली फंक्शन कराने का काम सेक्रेटेरिएट का होता है। और जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो इसका हेड होता है। फिर आता है हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो देखिए उस टाइम 1945 की बात करें तो उस टाइम पे
काफ़ी ज़्यादा, इंडिया भी एक कॉलोनी थी यूनाइटेड किंगडम की, तो उसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में हम देख सकते थे कि उस समय कंट्रीज़ किसी ना किसी की कॉलोनी है या कि कोई दूसरी कंट्री के अंडर में है। तो इसका एम था कि उन कंट्रीज़ को हेल्प करना कि वो अपनी इंडिपेंडेंस ले सके, मतलब अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सके दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ से, और तो और उनको हेल्प करना, असिस्ट करना उन, अगर कोई कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती है तो उनके डेवलपमेंट में और उनकी फंक्शनिंग में, प्रॉपर फंक्शनिंग में, ताकि वहाँ का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो कोलैप्स ना कर जाए, तो उसमें असिस्ट करना था। और फिर नवंबर 1, 1994 से इसके ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए थे, क्योंकि काफ़ी हद तक जितनी भी कंट्रीज़ थी उस टाइम तक इंडिपेंडेंट हो चुकी थी और अपने उनके रूल आ चुका था। तो नवंबर 1, 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया। जो लास्ट कंट्री थी जो इंडिपेंडेंट बनी थी वो थी पलाव। अब उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। देखिए इसमें 18 मेंबर हर साल अपॉइंट किए जाते हैं और टोटल जो इसके मेंबर्स की स्ट्रेंथ है वो 54 है। देखिए जो हमने सुना होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को हो गया, तो ये सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं इसी से कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि नाम में ही है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये जितने भी सोशल प्रोग्रेस है और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लाइफ है, उसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। जो सोसाइटी के जितने भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, उनको ओवरकम करने के लिए, असिस्ट करने के लिए ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाया गया है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड्स में। देखिए जो ये एक प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जुडिशियल ऑर्गन यानी न्यायिक अंग है यूनाइटेड नेशन का, जिस तरीके से कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ये वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट माना जा सकता है। और ये इसमें 15 जजेस जज होते हैं और एक जज का टर्म 9 ईयर्स के लिए होता है। और अगर हम बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो जो हमारे फर्स्ट इंडियन ICJ में जज बने वो हमारे BN राव थे, जिस कमेटी ने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके लीगल एडवाइज़र भी थे हमारे BN राव सर। तो देखिए अब हमें जैसा पता है कि इंडिया UN का एक परमानेंट मेंबर बनने की होड़ में है और काफ़ी ट्राई कर रहा है कि जो परमानेंट P5 हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको एक्सपेंड किया जाए और जो मेजर डेवलपिंग कंट्रीज या आ रही हैं उनका रोल भी यूनाइटेड नेशन में बढ़े और एक परमानेंट मेंबर की तरह जाए। लेकिन देखिए फिर भी कुछ इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं इंडिया को यूनाइटेड नेशन पे। देखिए सबसे पहला, चाइना तो अपोज़ में है ही है, लेकिन उसके साथ बाकी कंट्रीज़ भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो पावर है, जो उनको पावर मिली हुई है P5 में, यूनाइटेड नेशन में, वो किसी भी हद तक कम हो। देखिए बाकी कंट्रीज़ अगर उसमें इंक्लूड हो जाते, 3 या 4 कंट्रीज जितनी भी हैं, जैसे इंडिया, ब्राज़ील और साउथ कोरिया या जर्मनी, तो देखिए ये कंट्रीज़ अगर उसमें आती हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका बाकी P5 कंट्रीज़ पहले से ही हैं, जैसे अमेरिका हो गया, UK, फ्रांस, रशिया या चाइना, तो इनका जो इन्फ्लुएंस है, जो इनकी अथॉरिटी है, वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। और ऐसा कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उनके साथ ऐसा हो। बाकी चाइना तो हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट चैलेंज बना ही है सिक्योरिटी काउंसिल में, और चाइना जब तक है वहाँ पर तो इंडिया को काफ़ी बड़ा चैलेंज है वहाँ पर को। और फिर इंडिया के कुछ अपने इंटरनल इश्यूज़ भी हैं। देखिए कश्मीर इशू है, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है प्रॉपरली। और हमारे हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में सोशल इविल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे करप्शन का इशू हो गया, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गया, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, तो ये काफ़ी हद तक हैं। बाकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेज भी हम देखते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, चाहे इंटरनेशनल हो या इंटरनल हो, एक्सटर्नल पाकिस्तान चाइना, हम देखते हैं कि कैसे इन हमारे बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट चलती रहती हैं। और जो इंटरनल हो गया, टेररिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया, और कम्युनल डिसहार्मनी हो गई, देखिए ये भी काफ़ी एक चैलेंज क्रिएट करते हैं इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप के लिए UN में। क्योंकि जब तक इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएंगी तब तक हम एक्सटर्नल पे उतना जोर नहीं दे सकते, और हम अपने को एक डेवलप्ड कंट्री के तरह तरीके से या एक मैच्योर कंट्री के तरीके से नहीं शो कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर हम देखते हैं जाति विवाद होता है, रिलीजन को लेके होता है, और नक्सलिज्म किस तरीके से कम नहीं हो रही है, तो ये काफ़ी चैलेंज है। बाकी हम देखते हैं हमारे जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, हम NSG के मेंबर, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के मेंबर नहीं है, ना हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी है और ना CTBT साइन की है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो चैलेंजेस हैं इंडिया को UN में। बाकी इंडिया का रोल काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहा है UN में, और इंडिया ने काफ़ी बढ़ चढ़ के पीस कीपिंग मिशन में, जो UN के पीस कीपिंग मिशन होते हैं उनमें रोल अपना दिया है। और सिंस 1950 अगर हम बात करें कि इंडिया के ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस पीस कीपर्स ने
मिशन में पार्टिसिपेट किया है यूएन के। तो देखिए, इंडिया का आने वाले फ्यूचर में जिस तरीके से कोविड 19 के बाद हालात बदले हैं, जियोपॉलिटिक्स बदली है, यूएन और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर देखने को देख रहे हैं, और किस तरीके से चाइना के अपोज में बाकी कंट्रीज आ रही हैं, तो इंडिया का आने वाले फ्यूचर में देख सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में हो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, और यूएन में यूएन का मेंबर बनना ना बनना ये आने वाले फ्यूचर की बात देख सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक यूनाइटेड नेशंस। एंड फॉर ऑल दोज प्रिपेयरिंग फॉर SSB, दे मे चेक आउट द बुक वर्जन ऑफ SSB प्रिपेयर्ड विद एक्सपीरियंसेस बाय डिफेंस तैयारी इटसेल्फ। सो प्लीज़ चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द बुक। थैंक यू एंड जय हिंद।